हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका साइंस का एग्ज़ाम है, तो ये एक केवीएस का 2021-22 के आसपास का पेपर है। तो इसमें ना काफ़ी अच्छे एमसीक्यू दे रखे हैं, तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोज बना रखी हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट ढूंढो, पुरानी वीडियोज देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको करवा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आंसर पहले अपने खुद देने की कोशिश करना, फिर उसके बाद अपने आंसर मैच करना। इससे पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है और कितने आपके सही निकले हैं। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही थे। ठीक है, बाकी किसी में अगर डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिक्स आर आल्सो नोन एज, ये जो रंगहीन लवक होते हैं ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के नाम से, क्लोरोप्लास्ट के नाम से, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से, या प्रोटोप्लास्ट के नाम से? ठीक है, देखिए, जो लवक अगर कलरलेस है ना, तो वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, तो वो है ना, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। इसका बी आंसर है। अच्छा, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप आंसर अपने खुद देने की भी कोशिश करना, आंसर एक पेज पे लिखना। ठीक है, और वीडियो भी देखते रहना, उसके बाद आप देखना कि आपके कितने से निकलते हैं एंड में, टोटल करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, अगर आप बताना चाहते हैं तो। ठीक है, और थोड़े बहुत मैं एक्सटर्नल नॉलेज भी इसमें दूंगा कि जो क्रोमोप्लास्ट है ना, पत्ती के अंदर जो हरा रंग के अलावा और भी रंग होते हैं, जैसे अगर फूल में या फल में लाल रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी वजह से हरा रंग इनके ग्रीन रंग होता है। उसके बाद अब आपको समझ में आ गया ना कि पहले का आंसर क्या है, बी। उसके दूसरा, अब वीडियो को रोक के आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर? ये कह रहा है कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, जो है ना, रूम टेम्परेचर में, मतलब कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था में पाया जाता है, उस धातु का नाम आपको बताना है। देखिए, इसका आंसर है मरकरी। ठीक है, जो ब्रोमीन है ना, वो नॉन मेटल है, अधातु है, इस बात को ध्यान रखना। सोडियम जो है ना, और जो पोटेशियम है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, और हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, ये कह रहा है कि आपको ना ए बी सी डी ई इनके नेम बताने हैं। ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट्स वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने पिक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई थी। आपको इसके नाम अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर को अच्छे से करना। चार ऑप्शन आपके सामने आपसे पूछ रहा है कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, आप बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, देखिए, ये जो होता है ना, ब्लैक जो आप देख रहे हैं, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरी सेल बॉडी होती है। ठीक है, ये एक्सन होते हैं, ये डेंड्राइट होते हैं, और ये नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका डी आंसर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी? ये कह रहा है वेलोसिटी और स्पीड है अगर ये, तो इन दोनों के रेफरेंस में कौन सी लाइन बिल्कुल सही है? देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो वेलोसिटी है हिंदी में इसको वेग कहा जाता है, और स्पीड को जो है चाल कहा जाता है। तो वेलोसिटी होती है ना, वो विद डायरेक्शन होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, जबकि जो स्पीड होती है ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको स्केलर कहते हैं, और वेलोसिटी को वेक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो जैसे पहले में लिखा है ना कि वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड, तो ये हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी जो है ना, वो कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसके बराबर या उससे कम हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ना, वो डी है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है ना किसी भी मूविंग बॉडी की, ठीक है, वो स्पीड ही होती है, लेकिन वो गिवन डायरेक्शन होती है। जब स्पीड किसी गिवन डायरेक्शन में हो जाए तो वो वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी भी डायरेक्शन होती है, ये आपको याद रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्योंकि देखो, मैं बार बार एक्स्ट्रा चीज़ भी बता रहा हूँ, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। पता है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं पता तो आप अच्छे से करें, क्योंकि आसपास की चीज़ें जो पेपर में आती हैं उसकी ज़रूर किया करो, काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ये कह रहे, द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कोज द ऑब्जेक्ट। देखो, इनर्शिया मतलब हिंदी में जड़त्व कहा जाता है, वो जो जड़त्व होता है ना, वो क्या बताता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या कारण बताता है, क्या बताता है? आपको चार ऑप्शन आप पढ़िए कि स्पीड बढ़ाता है किसी की, डिक्रीज करता है, या रेसिस्ट करता है किसी भी चेंज को, मतलब कोई भी चेंज है
उसको रेसिस्ट करना, मतलब पता है क्या, ये जो इनर्शिया है ना, मतलब ये कहते हैं कि अगर कोई चीज़ रुकी है तो वो रुकी रहे और चल रही है तो वो चलती रहे, ये जड़त्व होता है। तो इसका आंसर जो है सी है। ठीक है, देखिए वीडियो को रोक के फटाफट अपने आंसर दे देते रहना, क्योंकि अगर मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप आराम से उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, तो ये समझ में आ गया ना आपको, इनर्शिया वाला तो आ गया ना, कि इनर्शिया कहता है कि कोई चीज़ रुकी है तो रुकी है रहे, चल रही है तो चलते रहे, विरोध करता है, रेसिस्ट करता है किसी भी प्रकार के चेंज को। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। फिर नेक्स्ट है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो टिंचर है ना आयोडीन का, उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। आपको पता है एंटीसेप्टिक क्या होता है? ठीक है, आपने सुना भी होगा उसकी मेडिकल की लाइन में, तो मतलब किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन है ना वो कैसे बनाया जाता है, जो टिंचर ऑफ आयोडीन है कैसे बनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, आयोडीन को हिंदी में आयोडीन कहते हैं, तो किससे बनाया जाता है, तो आयोडीन एल्कोहल वैसलीन किससे बनाया जाता है, तो इसका आंसर है आयोडीन एल्कोहल। ठीक है, उसके नेक्स्ट ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव डबल मेम्ब्रेन, ये कह रहे कौन सा ऐसा या अंग है जिसमें जो है डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वैक्यूल्स है, तो इसमें जो डबल मेम्ब्रेन है ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल सुना होगा आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सुना होगा है ना, जो मैंने अभी आपको बताया वो प्लांट सेल की दो जो है ना मेम्ब्रेन होती है। लेकिन अगर आपसे मैं क्लोरोप्लास्ट की पूछूं कि जो क्लोरोप्लास्ट की जो डबल मेम्ब्रेन होती है ना उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसे हम क्लोरोप्लास्ट एनवलप कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब आगे देखिए, अच्छा एक बात और, ये जो वैक्यूल है ना इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और उस सिंगल मेम्ब्रेन का नाम आपको पता होना चाहिए, चाहे हिंदी हो इंग्लिश, उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या पूछा था, डबल मेम्ब्रेन तो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, इसका आंसर ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अ टिश्यू कॉल्ड, ये कह रहे जो प्लांट है ना उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो पहला है क्लोरिन काइमा, पैरेन काइमा, स्कैरेन काइमा या कोलिन काइमा। ठीक है, तो आप देखिए, अब आपको मैं कुछ कुछ काम भी दूंगा। ठीक है, तो आठवां जो क्वेश्चन है इसका तो आंसर है कोलिन काइमा, और आप सब जैसे मान लो कोई एक बच्चा लिख देता है क्लोरिन काइमा पोस्ट के अंदर, मतलब कमेंट के अंदर, तो बाकी बच्चों से लाइक कर देंगे। ठीक है कि हाँ भाई इसने करा है, तो अगर किसी ने एक ने कर दिया तो दूसरा पैन कैमरे के बारे में लिखेगा, इससे क्या और बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। ठीक है, मतलब वीडियो भी होगी और कमेंट भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सबको एक काम दे रहे हो, जिस बच्चे ने पहले बार कर रहा है वो किसी एक के ऊपर लिखना, और बाकी बच्चे जो नहीं लिखा होगा उसको उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज देना। ठीक है, इससे आपकी भी हेल्प होगी, दूसरे बच्चों की भी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर में आएगा आठवीं का क्या, कोलन कायमा। इसके बारे में और लिख सकते हो तो कोई कमेंट बॉक्स में और लिखना। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये कह रहे जो पार्टिकल है ना वो मूविंग में है, मतलब चल रहा है, उसकी रेडियस आर दे रखी है, और ये कह रहे डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी, जब सर्कल आधा हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए ये सर्कल है ना पूरा, तो इसने बोला है कि अगर हम हाफ गए हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करा और ये हाफ गए, तो ये कह रहे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखिए पहला और अंतिम दोनों बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी जो होती है उसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो हमें दे रखा है ये सेंटर होता है, इसकी रेडियस आर दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको क्या बताया सबसे छोटी दूरी होती है, तो आप इस दूरी को ऐसे नहीं लोगे, सुन रहे हैं, आप इसको ऐसे लोगे, तो आर और आर कितने हो गए, टू आर हो गए। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, टू आर। इसका तो मैंने ऑप्शन आपको दिखाई नहीं थे, सीधा मैंने आपसे पूछ ही लिया। चलो आगे से थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे, ये कह रहा ब्रास क्या है। देखिए जो ब्रास होता है ना वो दो चीज़ें जो इसके अंदर मेन मिलाई जाती है और भी मिलाई जाती है, इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन मिलाई जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर एक तो कॉपर दूसरा जिंक मिलाया जाता है, ब्रास को कांसा कहते हैं। ठीक
ठीक है, और इसमें जिंक और जो कॉपर है वो मिलाया जाता है, ठीक है। ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक हो। कंपाउंड जो होता है ना सिंधी में यौगिक कहते हैं, ये डेफिनेट पोर्शन में होता है। जब किसी चीज को बिल्कुल निश्चित अनुपात में मिलाते हैं ना, उससे हम बोलते हैं कंपाउंड, यानी कि यौगिक। एलिमेंट में एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे लोहा है उसको जला दो कुछ भी कर दो लोहा ही तो रहेगा, जबकि कंपाउंड जो है ना वो डेफिनेट पोर्शन में जुड़ा है। जैसे पानी बनाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, हाइड्रोजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब जाके पानी बनता है ना, बनता नहीं बनता। तो इस तरीके से वो कंपाउंड कहलाएगा। और ये जो ब्रास का किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। होमोजेनस को हिंदी में समांगी कहते हैं और हाइड्रोजेनस को विषमांगी कहते हैं। उसके बाद है 11th, तो ये समझ में आ गया ना आपको, ब्रास किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनस का है। अब वो बोल रहे हैं 11th में कि इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्व करते डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। हमारी जो छोटी आंत होती है ना, जिसे शूद्रांत कहते हैं, वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर रही है। ये कह रहे व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथेलियल कोशिका पाई जाती है, एपिथेलियल सेल पाई जाती है। तो आपको ये चार दे रखे हैं, ठीक है। तो जैसे इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो है कोलमर एपिथेलियम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। क्या जाएगा इसका आंसर, बी। अब अगर किसी के पास टाइम के, ये एक एफर्ट होता है दूसरों के लिए करना भी चाहिए, तो इसके ऊपर कमेंट में 3-4 लाइन लिखना, कोई बच्चा इस पर लिख दे, कोई बच्चा इस पर, तो बाकी बच्चे पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मिलके करते ना सबका भला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। उसके बाद आइए 12th, ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटलॉइड। ये कह रहे इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटलॉइड नहीं है। देखिए, जो मेटलॉइड है ना वो उपधातु होता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक मेटल को मिलाते हैं ना, या नॉन मेटल को हम मिलाते हैं, तो वो मेटलोइड होता है। तो कह रहे कौन सा मेटलोइड नहीं है, कौन सा एलोय नहीं है, ब्रोन, जर्मेनियम, सिलिकन या टंगस्टन। तो टंगस्टन जो है वो पूरा मेटल होता है, बाकी सारे क्या कहलाते हैं, मेटलोइड कहलाते हैं, एलोय कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। क्लियर हो गया। और सब बच्चे सिलिकन का कलर लिखेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है 13, अगर एक बच्चा भी लेते हो बाकी लाइक करता करो, इससे मुझे पता लगे कितने बच्चों ने को मतलब देख रहे हैं और कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने उसकी भी लाइक कर दिया, ठीक है। उसके बाद 13 पे देखिए, 13 ये कह रहा है ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉल्वेंट टेंड्स टू पास थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है जो ऑस्मोसिस है ना, जो परासरण होता है, उसमें क्या होता है कि वो निम्न से उच्च की तरफ जो है वो स्थानांतरित हो रहा है, उसका जो सोल्यूशन जो भी उसके अंदर पार्टिकल्स है वो जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट है ऑस्मोसिस के बारे में जो लिखा, पढ़ भी सकते हैं, कौन सी चीज इन सारों में से जो है वो सही नहीं है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो पानी का जो मूवमेंट होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है। इट्स अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्वेंट, जितना उसके अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व होगा ना वो उस पर डिपेंड करेगा, तो बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहे हैं जो मेम्ब्रेन होती है ना, आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये जो उसकी मेम्ब्रेन बनी होती है ना, जो उसकी जो भित्ति बनी होती है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जैसे प्रोटीन की, लिपिड्स की, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल सोल्यूबल होते हैं ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, वो इजीली जो है वो पास हो सकते हैं, वो तो हमने देखा हो जाते हैं पास, ठीक है। ये कह रहे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना कंटेन सेल इन प्लांट, तो ये सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग सही नहीं है, ठीक है, ऑस्मोसिस रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि थर्ड लो मोशन जो है ना, ठीक है, एक्शन और रिएक्शन होता है, उसमें एक्शन का अपवर्ड इक्वल रिएक्शन होता है ना, तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी चीज सही है। तो 14 में आपसे पूछ रहा है, मैंने क्वेश्चन बताते बताते बता भी दिया। तो गति गति से नियम होता है ना, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है बराबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बाकी इसका कोई आंसर नहीं है। आपको गति के तीनों नियम अच्छे से आने चाहिए, मैंने जो प्रैक्टिस पेपर बनाया था उससे जरूर देख लेना, ठीक है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसमें भी बहुत डिटेल से बताया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ये कह रहे हैं आपको वीटी ग्राफ देखना है, ये देखिए, तो आपको बताना है कि ये जो वीटी ग्राफ है ना, इसमें जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, रेस्ट में है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ये वी है
और ये टी है, और मैंने अच्छे से बता रखा है जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं कि जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है और जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। जब यहाँ पर ये एक्स अक्ष के समांतर होता है ना तो त्वरण तब जीरो होता है या वो एक समान गति होती है, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। उसके 16 क्वेश्चन देखिए, ये 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने सेल टर्म दिया, कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है, हुक है, ठीक है, गॉर्बचेव है, ठीक है, एंटन वॉन है, तो इसका आंसर जो है वो रॉबर्ट हुक है। अच्छा, लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले किसने जो है बताया था, लिविंग सेल, ठीक है, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। वो एक बच्चे बताएगा, बाकी उसको लाइक कर देंगे, इससे मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे कर रहे हैं। और पता है आप ऐसे करेंगे ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए अच्छी अच्छी, ठीक है। ये कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू, ये कह रहे हैं कौन कौन से इसमें से कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, लिगामेंट, ब्लड, टेंडन, ये ऑल ऑफ दिस। देखिए ये सारे के सारे ही कनेक्टिव टिश्यू हैं। कनेक्टिव मतलब होता है जो दो चीज़ों उससे ज़्यादा को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे ब्लड है पूरी बॉडी में सारे सर्कुलेट कर रहे हैं ना, ठीक है, और लिगामेंट है, टेंडन है, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और देखिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले इसको ना सर्च करके देख लेंगे, ठीक है, स्नायु किसको कहते हैं, कंडरा किसे कहते हैं, तो दोनों में से एक को स्नायु एक को कंडरा कहा जाता है, और हिंदी में तो आप देख लेंगे, लेकिन टेंडन का मतलब ये समझो जो बोन को मसल से जोड़ता है, ये बोन को बोन से जोड़ता है और जो टेंडन है वो बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पैसेंजर है, ठीक है, वो एक मूविंग ट्रेन में जा रहा है, भाई आप भी एक बार देखना कभी अगर आप जा रहे हो ना, तो उसने क्या करा, सिक्के को ना टॉस करा, उछाला, सिक्का पीछे की तरफ गिर गया, तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? देखिए ट्रेन चल रही है, सिक्का जो है वो क्या, वो जो उछाला तो पीछे वो व्यक्ति के पीछे की ओर चला गया, उछाला तो ऐसे था पीछे गिर गया, तो इसका मतलब पता है क्या है कि जो ट्रेन की जो स्पीड है ना वो और ये वेलोसिटी जो है वो और तरफ बढ़ती जा रही है, और ऐसी स्थिति में इसे एक्सेलरेटेड कहा जाएगा, त्वरण जो है ना वो कहा जाएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी बढ़ रही होती है ना तो एक्सेलरेटेड होती है, और अगर वेलोसिटी घट रही हो तो उसे रिटार्डेड कहेंगे। मान लो अगर उन्होंने सिक्का उछाला होता, ठीक है, और सिक्का जो है ना वो आगे गिर जाता, ठीक है, तो उसका ट्रेन की स्पीड कम होती चली जा रही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्सेलरेटेड आ जाएगा। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा, गला थोड़ा सा आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे पता है आप कोऑपरेट कर रहे होंगे। ये कह रहे हैं जो लाइसोसोम है ना उसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, जो लाइसोसोम है उसको सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है, तो ये 19 है, इसका आंसर है क्योंकि इसमें जो एंजाइम होते हैं ना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं सेल को, इसलिए अपने सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं एक तरह से, इसलिए वो सुसाइड कर रहे हैं। इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। उसके बाद हिंदी में लाइसोसोम को लाइसोसोम ही बोलते हैं और सुसाइड बैग को बोलते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघात थैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं को पाचन कर सकते हैं स्वयं की भी। ये कह रहा है बच्चे तो फॉलोइंग नोट फाउंड इन जाइलम टिश्यू, ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा जाइलम टिश्यू में नहीं पाया जाता। अब कई बच्चे सोचते हैं कि जाइलम और फ्लोएम तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और पैरेंकाइमा में सिंपल टिश्यू है, तो ये तो होगा नहीं, यही यहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं, ठीक है। तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली है, जब आप चैनल में जाएंगे शॉर्ट्स में देखना, तो उसके मैंने बना दिया था ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, मतलब पिक्चर दिखा रही थी, ठीक है। तो 20 का जो आंसर है ना वो है आपका सीव ट्यूब्स, क्योंकि ये ना फ्लोएम में पाए जाते हैं, फ्लोएम टिश्यू में पाए जाते हैं। पिक्चर्स अच्छे से कर लेना सारी के सारी, और नेमिंग के साथ कर लेना, ठीक है, ये सारी के सारी जो जाइलम टिश्यू में होती है चेक कर लेना आप, और ये सीव ट्यूब्स में होती है, मतलब फ्लोएम के अंदर पाई जाती है, मतलब हिंदी में फाइलम, ठीक है, और जाइलम को तो जाइलम ही बोलते हैं, ठीक है, बस इसको पढ़ना आपको आना चाहिए सही से, जाइलम। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, तो 20 का समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट देखिए तो सेल ऑफ कोर्क, जो कोर्क है उसकी जो कोशिका है आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब वो अरेंज है लेकिन उसमें स्पेस नहीं है,
और भी स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड, तो जिसमें स्पेस नहीं होता उसमें स्पेशल टाइप का जो सब्सटेंस होता है उसे क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है सुबरीन, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। अच्छे से कर लेने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस सारे करना अच्छे से। ठीक है, उसके बाद कह रहे रॉकेट जो है ना, रॉकेट जो उड़ता है ऊपर की तरफ जाता है ना, तो ये कह रहे हैं कि ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, मास पर, मोमेंटम पर, एनर्जी पर, वेलोसिटी पर, किस पर काम करता है। ठीक है, तो ये करता है मोमेंटम पर। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, मोमेंटम पर काम करता है। आप सपोर्टिंग मटेरियल देखेंगे उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोर्टिंग मटेरियल की मैंने एक वीडियो डाल दी है, जिसको अभी अभी अपडेट हुए हैं ना, आज ही हुए हैं। ठीक है, तो वो आप जरूर देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है नए वाले, तो उसके 23 देखिए। 23 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग होमोजीनियस मिक्सचर, कौन कौन से होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जिसमें इसे हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं, जो यूनिफॉर्म होते हैं ना कॉम्पोजिशन, जिसका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में है समांगी के बारे में, हिंदी वाले उसमें थोड़ा सर्च करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सा समांगी है, तो आइस है, सॉयल है, वुड है या एयर है। तो आप जानते हैं सोयल तो हो नहीं सकती। ठीक है, और आपको पता है आइस और एयर ही होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए और डी किसके अंदर है, फर्स्ट और डी बी के अंदर है, तो बी आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट 24, ये कह रहा है एक टिश्यू है हूज सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और रीडिवाइडिंग इज कॉल्ड, ये कह रहा है कौन सा टिश्यू है जिसकी सेल्स डिवाइड होती है फिर और डिवाइड होती है और डिवाइड होती है। ठीक है, तो वो कौन सा उत्तक है जो विभाजित और उपविभाजित होता रहता है। ठीक है, 24 का आपका मैथमेटिक टिश्यू। और देखो मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप एनसीईआरटी को बहुत दिल लगा के पढ़िए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैथ्स के लिए एनसीईआरटी सपोर्टिंग मटेरियल जरूर कीजिए। ठीक है, सपोर्टिंग मटेरियल तो आप साइंस का भी कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा जो भागने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस पेपर आपको दे रखे वो कर लीजिए, और 2-4 जो पेपर्स हैं वो कर लीजिए, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, अब 25 है, ये हमारा सेक्शन जो है बी है। तो सेक्शन बी में हमसे ये पिक्चर पूरी दिखाई गई है, आप आराम से इसे देखें। ठीक है, तो पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं टाइनी पोर्स जो होते हैं फाउंड इन द फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट, छोटी छोटी छेद पत्ती के सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं ना, छोटे छोटे छेद होते हैं, इनको स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र कहते हैं। ये कह रहे हैं ये जो स्टोमेटा होते हैं सराउंड बाय द किडनी शेप्ड गार्ड सेल, और ये ना ऐसे किडनी जैसी शेप्ड होती है इनकी, देख रहे हो ना। ये कह रहा है प्रोवाइड मैनी वाइटल फंक्शन टू द प्लांट, और बहुत वाटर में बहुत मेन काम करते हैं ये। पता बच्चों, जैसे पानी ज़्यादा नहीं जालना बाहर, तो पानी को फिर बंद कर देते हैं, मतलब पानी बाहर ना जाए, और गैसों का एक्सचेंज वगैरह करते हैं, पानी को बाहर भी करने का काम करते हैं। अगर ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो उसे ट्रांसपरेशन कहते हैं, मतलब वाष्पोत्सर्जन से पानी को बाहर भी कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके सारे नेमिंग अच्छे से याद होने चाहिए आपको, अच्छे से पता होना चाहिए किसका क्या नाम है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट सर्व्ड बाय द स्टोमेटा फॉर द प्लांट्स, ये कह रहे हैं स्टोमेटा जो होते हैं ना, वो इनमें से कौन सा काम नहीं करते। तो यहाँ लिखा एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज पार्टिकुलरली CO2 एंड O2 विद एटमोसफेयर, आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं आराम से। ये कह रहे CO2 O2 का जो है वो एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल ठीक। ये कह रहे हैं लोस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपोरेशन, और पानी को भाप बना के उड़ा देते हैं जब इनमें वाष्पोत्सर्जन होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे हैव टू क्रिएट प्रेशर फॉर वाटर टू राइज अपवर्ड, ये कह रहे हैं कि ये मदद करते हैं, ठीक है, ताकि पानी जो है ना वो ऊपर की ओर जो है ना वो प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ जाए, और ये ट्रांसपोरेशन के दौरान होता है, ये ऐसा यहाँ पर बोल रहा है। लास्ट बोल रहे हैं कि हेल्प द लीव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस, और ये प्लाज्मोलिसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए करता है। देखो आपको मैंने एक असेसमेंट की भी वीडियो करवाई थी साइंस की, तो असेसमेंट भी सारे देख लेना। तो आपको मैंने इसमें बताया था, जैसे जो खून जितना उसमें पानी चाहिए होता है वो उसके अंदर उतना ही ले लेता है, आइसोटोनिक वगैरह पढ़े थे ना आपने, तो उसको भी अच्छे से देख लेना, और प्लाज्मोलिसिस के बारे में और इस पर काम करना। इसका आंसर जो है वो ये होगा, क्योंकि ये जब हम पोर्स के लिए काम कर रहे हैं, स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, तो ये स्टोमेटा नहीं करता। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा डी। उसके बाद
26 है, इसके ऊपर लिखना जरूर ठीक है कमेंट बॉक्स में थोड़ी मेहनत करके। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शो द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी, ये कह रहा है कौन सा इसमें वस्तु है, कौन सा जो चित्र है वो जो ये दिखा रहा है कि वस्तु जो है ना वो रुकी हुई है, क्या है स्टेशनरी मतलब क्या रुकी हुई है, स्पेलिंग देख लो अच्छे से ठीक है। तो वो कह रहे हैं वो स्थिर अवस्था में कौन सी है, मतलब टाइम बीतता जाए गाड़ी चले ना वही तो होगा, तो ये है वो। याद रखो देखो यहाँ पर टाइम और डिस्टेंस ग्राफ है, और अब आपको सर अभी आपने पहले भी करवाया था उसमें आपने यूनिफॉर्म बोला था, ये देखो यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी थी, यहाँ पर वेग था, क्या था वेग ठीक है, इसलिए हमने बोला था कि यूनिफॉर्म मोशन होगा या यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो होगा, बताया था ना मैंने। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर दूरी और समय लिखा है, और आप देखिए टाइम बीतता जा रहा है दूरी बढ़ी नहीं रही है, इसलिए इसका मतलब ये रुकी हुई है, इसका आंसर बी आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है। देखो अगर यहाँ वी ओ टी या वी ओ टी लिख देंगे ना तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है और ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी एक समान गति है, ये भी एक समान गति है ठीक है। और यहाँ पर वेलोसिटी टाइम लिखा ना, ये देखो ये दोनों सेम बात कह रहे हैं ठीक है, सुनो ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है ठीक है, और ये तो इसके बारे में क्या बताएं आप। उसके 27 देखिए, 27 में बोला है ये जो टिश्यू है ना टिश्यू ये क्या होते हैं, तो इसका मैं सीधा आंसर ही बोलूँगा, टिश्यू जो होते हैं बच्चों इसे हिंदी में उत्तक कहा जाता है, ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं जो फंक्शन एक साथ करते हैं टू कैरी आउट ए स्पेशलाइज एक्टिविटी, ताकि स्पेशलाइज एक्टिविटी हो सके ठीक है, इसका आंसर बी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 28 में कह रहा है कि जो अमित है ना वो जा रहा है पिकल, वॉज गोइंग टू मेक पिकल, अचार बनाने जा रहा है, और सॉरी अमित की मदर जो है वो जा रही है अचार को बनाने, फॉर दिस शी कट द वेजिटेबल इंटू स्मॉल पीसेज, इसके लिए वो सब्जियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। उसके बाद कह रहे हैं एंड पुट देम इन द सन, और सूरज की रोशनी में से रख देते हैं फॉर फ्यू आवर्स कुछ हफ्तों के लिए, सॉरी कुछ घंटों के लिए। फिर अमित वॉज ऑब्जर्विंग ऑल हर एक्टिविटीज वेरी क्यूरियसली, अमित जो है ना वो बहुत ही ध्यान से देख रहा था उसकी मम्मी जी क्या कर रही हैं, एंड आज दिस मदर और अपनी मम्मी जी से पूछता है वाई शी हैड पुट द सॉल्टेड वेजिटेबल्स इन द सन, उन्हें बोला कि ये जो सॉल्टेड वेजिटेबल है ना ये आपने जो है यहाँ पर क्यों रखा है ठीक है। तो अमंग द फॉलोइंग वट माइट बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, देखो उसकी मम्मी ने क्या करा है धूप में तो रखे रखा है और ऊपर से उस पर जो है नमक भी छिड़का हुआ है ठीक है, और उसको धूप में रख दिया है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा। पहला है कि उन्होंने सो दैट द पिकल में गेट एक्स्ट्रा फ्लेवर, ताकि जो अचार है उसमें फ्लेवर आ सके इसलिए रखा है उन्होंने, सो दैट द कट वेजिटेबल में ऑब्जर्व विटामिन डी, ताकि जो वेजिटेबल काटी हुई है वो विटामिन डी को ऑब्जर्व कर सके, एज द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सनरेज, ताकि सूर्य की रोशनी से वो एक विटामिन डी के रूप में न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए सो दैट वेजिटेबल्स में लोज ऑल द वाटर, ताकि जो वेजिटेबल्स हैं वो सारा का सारा पानी जो है वो खो दें बाय डिफ्यूजन एंड इवेपोरेशन एंड बिकम ड्राई, और वो सूख जाए ठीक है। देखिए बिल्कुल सही है ये आंसर, देखिए जब हम नमक को छिड़कते हैं ना तो वहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाता है ठीक है, जो पानी जो उसके अंदर भरा हुआ है ना सारा जो भी सब्जी कटे तो वो हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन की तरफ पानी जाने लग जाएगा, नमक की तरफ जाने लग जाएगा, नमक गीला हो जाएगा, और जब नमक गीला होगा तो सूर्य की रोशनी से वो फिर से ड्राई हो जाएगा ठीक है, भाप बन के उड़ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा ठीक है। बाकी तो इसे पढ़ना आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो, ये कह रहा है इनमें से कौन सी चीज़ जीरो हो सकती है। देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया था अगर आप इस पॉइंट पर हैं और घूम कर वापस इसी पॉइंट पर आ गए तो आपकी डिस्टेंस तो टोटल होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहते हैं, पहला और लास्ट के बिंदु के बीच की दूरी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कोई भी नहीं है दोनों, तो इसका आंसर क्या है ए ठीक है डिस्प्लेसमेंट। अब उसको 30 क्वेश्चन में कह रहा है
कि एक गोल कीपर है, ठीक है, इन द गेम ऑफ फुटबॉल, और वो फुटबॉल की जो है गेम में पुल्स हिज हैंड, अपने हाथ को पीछे की तरफ ले जाता है बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल, बॉल को होल्ड करते हुए पीछे की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि चोट, तो बॉल को नीचे पीछे तक जो उसके पास आ रही है ना बॉल उसके हाथ में, वो उसको पीछे की तरफ ले जा रहा है, दिस इनेबल द गोल कीपर टू, ये जो ऐसा कर रहा है वो, इससे क्या इनेबल होता है? पहला ए, एग्जर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, कि वो बॉल पर जो है बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इसलिए ताकि फोर्स बढ़ जाए, ठीक है, उसके हाथ में जो बॉल है उसका, या मोमेंटम को चेंज करने के लिए, या जो मोमेंटम को चेंज इंक्रीज करने के लिए कह रहा है, और डी में कह रहा है कि जो मोमेंटम है ना उसको डिक्रीज करने के लिए, उसका जो रेट है वो डिक्रीज हो जाए। मोमेंटम मतलब हिंदी में होता है संवेग, तो संवेग की दर को कम करने के लिए कौन सा कारण है इसका, ठीक है। तो जिन्होंने डी सोचा है ना वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब 31 में assertion है और रीज़न है, तो यहाँ ए और आर बोला गया ट्रू अगर होंगे और आर करेक्ट होगा तो ए पे कर देंगे, दोनों ट्रू होंगे लेकिन आर सही से एक्सप्लेन नहीं होगा तो बी पे कर देंगे, ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी, ए फॉल्स है और आर ट्रू है तो डी कर देंगे। अब देखिए 31 में बोला गया कि टू एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये कह रहा टू एलिमेंट्स हैं वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो देखो ध्यान समझ लो, टू एलिमेंट बोल रहा है और वो कह रहे लिक्विड है रूम टेम्परेचर, तो वो मरकरी और ब्रोमिन है। देखिए मैंने आपको शुरू में दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, तो अगर आपने शुरू में ध्यान दिया होगा, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बोला था ना कौन सा लिक्विड स्टेट में मेटल होगा, तो मैंने इसका आंसर मरकरी बताया था, मैंने आपको बताया था ना ब्रोमिन जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन दोनों के दोनों क्या एलिमेंट हैं, ठीक है, समझे मेरी बात। तो 31 का जो है आंसर, इसका मतलब ये देखो टू लिखा है और मैंने आपको बताया था दोनों लिक्विड होते हैं, मरकरी क्या है मेटल और ये नॉन मेटल है, ठीक है, बताया था ना मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। तो ये तो ट्रू लिखा है, ये कह रहा है रीज़न के कि मेटल जो होता है वो कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये भी ट्रू लिखा है कि मेटल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर इसका रीज़न सही नहीं है ना, क्योंकि मरकरी तो मेटल है ब्रोमिन मेटल है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका रीज़न तो हुआ ही नहीं ना, लेकिन दोनों ट्रू है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी आ जाएगा ये वाला। आप पहले खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और 32 में कह रहा है कि अनलाइक जाइलम फ्लोएम कैन मूव मटेरियल इन बोथ डायरेक्शन, ये कह रहा है जैसे जाइलम है ना वो पानी को केवल ऊपर की तरफ लेके जाता है, उसका मूवमेंट केवल एक तरफ होता है, ऊपर है तो ऊपर ही ओर जाता है, ये कह रहा है लेकिन जो फ्लोएम है ना, जो फाइलम है हिंदी में, वो मटेरियल को ऊपर भी ले जा सकता है नीचे भी ले जा सकता है, कह रहे बताओ ट्रू है। देखो आपको पता होना चाहिए जो जाइलम होता है वो पानी को ऊपर ले जाता है, मिनरल्स को ऊपर लेके जाता है, जो फ्लोएम होता है ना वो पत्ती के अंदर जो भोजन तैयार होता है ना उस भोजन को ऊपर भी लेके जाता है और जड़ में भी लेके जाता है, तो ये ऊपर नीचे जाता है ना, इसका मतलब ये ट्रू है, समझ में आ गई लाइन। जाइलम यादम, क्योंकि देखो आपको एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए इसके आसपास, जो जाइलम होता है ना वो केवल ऊपर की ओर ही मूवमेंट करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है फाइलम जो होता है वो ऊपर और नीचे हर जगह जाता है, क्योंकि उसे जड़ को भी खाना पहुँचाना है, उसे ट्विक्स को भी पहुँचाना है, उसे टिप को भी पहुँचाना है, जो रूट है और जो स्टेम है उनकी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है कि फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है फूड को, तो बिल्कुल सही, फ्लोएम ट्रांसफ़र तो करता है फूड को, इसलिए तो उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ जाना पड़ता है, इसलिए क्या है ट्रू है और रीज़न भी सही लिखा है, इसलिए इसका आंसर जो ए है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आपका है 33। 33 में ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वो जीरो भी हो सकता है और जो डिस्टेंस होती है वो हो सकता है जीरो ना हो, लेकिन इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। देखो आप यहाँ थे, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये चार है, ये चार है, तीन है, तीन है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप घूमकर वापस उसी जगह पर आ गए तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, कितनी दूरी, डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं, तो कितनी हो जाएगी, 4 4 8 9 10 11 बढ़ते 14 14 हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा, विस्थापन पूछूंगा, डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो होगा जीरो, तो इसका मतलब ट्रू लिखा है। फिर कह रहा है ऐसा इसलिए होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है पहले और अंतिम बिंदु के, इनिशियल और फाइनल बिंदु के बीच में, तो बिल्कुल ट्रू है और रीज़न भी सही लिखा है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
अब आ जाइए 34 पर। तो 34 में बोला गया है कि एक सेल जो होती है वो फूल जाती है, ठीक है, और जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब प्रेजेंट होती है तो फूल जाएगी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और इधर रीजन कह रहा है कि मोर वाटर मोलिकुल एंटर द सेल देन दे लीव, ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी ज़्यादा एंटर कर जाता है और जितना वो छोड़ता है उससे ज़्यादा, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। उसके बाद जो है आप ये चैप्टर नंबर 5 में अच्छे से देख लेना, एक बार और अच्छे से समझ लेना, सपोर्ट मटेरियल में पिक्चर भी बनी हुई, बाकी पीरियोडिक वन और जब साइंस के पेपर और प्रैक्टिस पेपर आप देखेंगे, पीरियोडिक नहीं कहना था, और असेसमेंट देखेंगे तो मैंने उसे पिक्चर के हिसाब से समझाया होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है 35 में, ये कह रहा है हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, ये कह रहा है जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व, जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ना वो घुलते नहीं है, हाइड्रोजन को हिंदी में विषमांगी बोलते हैं, ये कह रहा है उसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो विलय के कण होते हैं, वो घुलते नहीं हैं, और वो सस्पेंडेड थ्रू आउट द सॉल्वेंट, और जो है एंड सस्पेंडेड में सस्पेंडेड रहते हैं पूरे सॉल्वेंट के अंदर एंड सोल्यूट के अंदर पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, और हम इसको अपनी आंखों से देख भी सकते हैं। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन होता है, क्या नाम होता है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सस्पेंशन, यानी कि निलंबन। उसके बाद नेक्स्ट है, अंजलि वांटेड टू ईट राइस एंड किडनी बीन्स, वो राइस और किडनी बीन्स को खाना चाहती है। शी रिक्वेस्टेड हर मदर, वो अपनी मम्मी जी से रिक्वेस्ट करती है टू कुक द सेम ऑन द नेक्स्ट डे, कि इसी को अगले दिन बनाए। फिर क्या होता है, एट नाइट हर मदर, और रात में फिर मम्मी जी ने क्या करा कि एक कप ऑफ किडनी बीन्स लिए एंड पुट देम इन ए कंटेनर हैविंग द सम वाटर, और पानी के अंदर भिगो दिया उसे, ठीक है, एंड द कैप्ट द कंटेनर कवर्ड ओवरनाइट, और उसको ढक के रख दिया। फिर अगले दिन जिस दिन बनाना था ना, उन्होंने देखा कि जो किडनी बीन्स है वो फूल गए हैं, ठीक है, और रेडी है कुक करने के लिए, पकाने के लिए। आप बता सकते हो बच्चों ये कौन सी परिस्थिति कहलाती है, जो पानी का जो किस तरीके से कंसंट्रेशन उसके अंदर गया, ठीक है, वो फूल गए, तो क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन होता है, बायोजेनेसिस होता है, और अबव होता है, पानी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, इसे ऑस्मोसिस कहेंगे इसको, ठीक है, इसका फर्स्ट आंसर है। ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, अच्छा तो ये इसी के बेस पर इसको बना दिया गया है, तो ओनली वन आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद 37 पर आइए, ये कह रहे हैं द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल्स मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन और जो लिपिड्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, कौन बनाता है इसको, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है, वैक्यूल करता है। अब इसके बारे में भी आप जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और आपको आरईआर और एससीआर दोनों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रव्य जलिका बोलते हैं, जिसमें मैंने सर्कल मारा ना ए, अंतर्द्रव्य जलिका बोलते हैं, दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर, ठीक है, और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका, ठीक है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसका आंसर तो ए है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा था, लेकिन हाँ आपने खुद लिखना है इसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए 38, तो इससे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाएगी, और इससे आपका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भाई बच्चे मेरे साथ है तो मेरे को और कराना चाहिए। ये कह रहे थे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना वो हमें क्या बताता है, देखो स्लोप बोला है, स्लोप देखो यहाँ वेलोसिटी है और यहाँ टाइम है, ठीक है, तो स्लोप बोला है तो या तो वो ऐसे होगा या वो ऐसे होगा। अब ऐसे है तो मतलब इसका मतलब जो वेलोसिटी उसकी घट रही है और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी को
हिंदी में वेग कहा जाता है, अब तक तो याद भी हो गया होगा। और यहाँ पर इसको जब नीचे जा रहा होता है तो डिक्लेरेशन कहते हैं, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। और आप लिखेंगे कि एक्सलेशन का जो उल्टा होता है, ठीक है, जो त्वरण का उल्टा जो होता है उसे हिंदी में मंदन कहा जाता है, उसको और किस नाम से जाना जाता है वो आप लिखेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन है, उसको किसी और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना, नहीं तो ऐसे बच्चों को पता नहीं चलेगा, ठीक है। समझ में आ रहे ना बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? एक्सलेशन आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना सीबीएसई से एनसीईआरटी जो कर रहे हैं, पेपर का पैटर्न सेम ऐसे ही रहने वाला है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कह रहा है कौन सा नॉन मेटल है लेकिन उसमें करंट पास हो जाता है। देखो एल्यूमिनियम, सिलिकन और गोल्ड, ये तो मेटल है, हमसे तो नॉन मेटल बोला है, और जिसमें तो करंट पास हो जाता है, मतलब एक ऐसी धातु जो विद्युत की सुचालक है। इसका आंसर है ग्रेफाइट, ठीक है। आपने पेंसिल की नोक देखी है ना, तो उसमें जो ग्रेफाइट ही तो होता है और इसमें करंट पास हो जाता है, ठीक है। अब है 40 क्वेश्चन, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब साइंस के अकॉर्डिंग किसको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है? आइस को, आयरन को, मरकरी को, या ऑल ऑफ दिस को? ये सारे के सारे जो है ना प्योर सब्सटेंस कहलाए जाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा, जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है ना, ये ऑल ऑफ दिस क्या है? प्योर सब्सटेंस है। और जो मिल्क है ना, मिल्क वो प्योर नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं हम? जो है ना जो डेफिनेशन दी गई है प्योर सब्सटेंस, जो वैज्ञानिकों ने जिसको प्योर बताया उसके अकॉर्डिंग। फिर 41 पर आ जाइए, 41 में कह रहा है इफ़ द मास ऑफ ए बॉडी, अगर किसी वस्तु का जो मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, वो डबल कर दिया जाए और वेलोसिटी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कह रहा है उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका संवेग क्या होगा? देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग होता है, नहीं होता, ठीक है। तो उसने बोला है कि उसको जो द्रव्यमान है उसको डबल कर दिया जाए, मतलब मास को डबल कर दिया, एम की जगह 2m आ गया, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी को उसने बोला है कि आधा कर दिया, क्या कर दिया उसने? वेलोसिटी को जो है आधा कर दिया, लेकिन एंड बिकम हाफ, वेग को आधा कर दिया, वेलोसिटी की जगह वी अपॉन में 2 आ जाएगा, तो 2 से तो कट गया, तो एम वी सेम ही तो आ गया, पहले जो था वही बाद में आ गया। तो आपसे पूछ रहे क्या होगा, रिमेन सेम, हाफ, डबल या 4 times? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिमेन सेम आ जाएगा, ठीक है। अब 42 पे आ जाइए, तो अब हमारा है 42 क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ द टिप ऑफ द शुगर केन प्लांट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड, ये कह रहा है कि अगर हम टिप जो है ना, टिप शुगर केन प्लांट की, वो रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द फील्ड, इवन देन उसके बावजूद भी, ये कह रहा है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग इन लेंथ, उसके बावजूद भी ये बढ़ता जाता है, ये कह रहा है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो आप लेटर मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम के बारे में जरूर लिखना कमेंट में, इसका आंसर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। उसके बाद 43 पर आ जाइए, 43 में कह रहा है कि ए बी सी और डी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो पेपर करा था ना प्रैक्टिस पेपर, उसमें दोनों अच्छे से बताया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में थे, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इन चारों में से, अगर यहाँ पर डिस्टेंस और या टाइम लिखा है तो चारों में से कौन सी सिचुएशन करेक्ट है? देखिए जितना ज़्यादा ये नीचे है ना, ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी जो है ना स्पीड जो है वो कम है, ठीक है, तो इसका मतलब बी आंसर यहाँ दे रखा है। तो वो या तो यहाँ पे ऑप्शन में बी वाला देता है कि सबसे कम ये होगा, ये सबसे ज़्यादा डी वाला बोल देता है, ठीक है, तो यहाँ बी वाला बोला गया है, तो इसका आंसर क्या है? बी, ठीक है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो डिस्टेंस जो कवर करेगा, जो स्पीड है, ठीक है, कम, वो किसके? बी की है, क्लियर हो गया। अब उसका नेक्स्ट आ जाइए, ये कह रहे हैं सोल्यूशन है, उसके अंदर 40 ग्राम कॉमन सोल्ट और 300 ग्राम जो है पानी है। तो ये कह रहा है कि अब आपको कंसंट्रेशन निकालनी है परसेंटेज में। देखो जिसको हम घोलते हैं ना, जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, वो सोल्यूट होता है, और जिसमें हम घोलते हैं ना, ठीक है, जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जब दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब विलयन बन जाता है, ठीक है। तो जो 40 ग्राम है वो क्या है? विलय,
ये विलायक, और दोनों को जोड़ेंगे तो विलयन बन जाएगा। तो हमसे बोला गया है कि आपको इसके द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग होगा विलयन का वो निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विलय बट्टे में विलयन गुणा में सो होता है, ठीक है, और इंग्लिश में होता है सॉल्यूट मल्टीप्लाई अपॉन में सॉल्यूशन इनटू में 100 होता है। तो अब आप देखिए जो सॉल्यूट है वो 40 ग्राम है और ये जो 320 है सॉल्वेंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। ये बच्चे गलती कर देते हैं, तो 40 बट्टे में 360 आएगा मल्टीप्लाई में 100। समझ में आ गया ना मैंने 360 क्यों लिखा है? 0 से 0 कट गई, 4 9 से 36, 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 चलता रहेगा, तो 11.11। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये ए आ गया, ठीक है। याद रखना ऊपर सॉल्यूट नीचे टोटल सॉल्यूशन, और अगर कभी कभी एग्जाम में सॉल्यूशन करके दे रहे थे 360 लिख देगा टोटल सॉल्यूशन, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि सॉल्वेंट दे रखा है या सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, चाहे सॉल्वेंट दिया हो या सॉल्यूट दिया हो, नीचे हमेशा सॉल्यूशन ही आएगा, ऊपर सॉल्वेंट आएगा, मल्टीप्लाई में 100 आएगा, ठीक है। अब उसका देखिए ये कह रहा है एक ट्रेन ऑफ 10 वैगन, ठीक है, एक ट्रेन है वो 10 वैगन से मतलब रन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और एक की वेलोसिटी से वो दौड़ रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी है जैसे और वो 10 है तो एक की वेलोसिटी से दौड़ रहे हैं। देखिए जब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जोड़ेंगे ना, सॉरी दौड़ेंगे, तो U और V सेम हो जाएंगे, मतलब जैसे अगर 40 की स्पीड से जा रहे हो, अब 40 की स्पीड से बाद में देखा तो 40 है, कोई कॉन्स्टेंट है, ये कह रहा मास जो है वो 10,000 किलोग्राम है, तो कह रहा टोटल फोर्स निकालिए। अच्छा ईच का बोला है, हर एक का फोर्स निकालिए, एक एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए ये कह रहा है ट्रेन है, ठीक है, ऑफ 10 वैगन रन्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और उसमें 10 वैगन्स हैं, ठीक है, और एक की स्पीड से चल रहे हैं वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और 3 मिनट के लिए वो ऐसा देखता है, 3 मिनट के लिए कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है, और एक वैगन जो है वो 10,000 किलोग्राम का है, तो कह रहा है इसका फोर्स निकालिए। तो बच्चों आप पहले वीडियो को रोक के खुद सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड लिखा है मैंने, इसे बहुत जोड़ दिया, आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू ए होता है, फोर्स को हिंदी में बल कहते हैं, एम मतलब द्रव्यमान, ए मतलब त्वरण होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि भाई सर मास तो हमने 10,000 kg लिखा है, वो हम 10,000 लिख देंगे। सर ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए मतलब त्वरण, ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस जी ओपन में टी होता है, होता है नहीं होता। अब आप देखिए इसने बोला कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो जो कॉन्स्टेंट है तो वी भी 40 होगा और यू भी 40 होगा, टाइम हमें 3 मिनट दे रखा है, 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड का 180, तो ऊपर कितना रहा 0, नीचे कितना रहा 180, 0 को 180 भाग करेंगे तो 0 तो आएगा। अब उसको हमें फोर्स निकालना है, तो एम इंटू ए करेंगे, एम कितना है? 10,000 है, ठीक है, एम कितना है? 10,000 है, और हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए यानी कि हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 तो आएगा, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद कह रहा है कि नेम द ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल, मतलब किस अंग को, कोशिका के किस अंग को हम जो है ऊर्जा का शक्ति केंद्र कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या गोल्जी एपरेटस। तो उसका आंसर जो है ऊर्जा का जो शक्ति केंद्र है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है सब बच्चों का आंसर सही होगा ये, ठीक है। उसका नेक्स्ट है द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज आल्सो नोन एज, ठीक है, दो होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होता है उसमें डिफाइंड होता है। प्रोकैरियोटिक में एक क्रोमोसोम, उसमें एक से ज़्यादा, ये दोनों डिफरेंट अच्छे से करना है, मतलब करना आपको वही है, बस एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा। तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसका आंसर है न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कह रहे विच सेल ऑर्गेनल, हिंदी में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हिंदी में वही रहता है ना, न्यूक्लियोइड को न्यूक्लियोइड है। उसके बाद कह रहा है विच सेल ऑर्गेनल प्लेज अ क्रूशियल रोल, ये कह रहा है कौन सा सेल ऑर्गेनल होता है जो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफाइंग में मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स इन द सेल, मतलब जो पॉइजन या ड्रग्स वगैरह जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाइंग कर देता है, उसको जहर को ख़त्म कर देता है, तो वो कौन करता है?
गोल्जी अपैरेटस SER देखो लिखा गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताया था मैं रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ। तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, या वैक्यूल्स मतलब रजधानियाँ, ठीक है, और इसे बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। तो इसका आंसर जो है वो सी है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्शन सी पर आ जाइए, केस स्टडी है, और इसमें तीन केसेस हैं, टोटल 12 क्वेश्चन हैं, आपको 10 ही करने हैं। तो सबसे पहला कोलाइड से रिलेटेड है, कोलाइड जो होता है मतलब कोलाइड को कोलाइड ही कहते हैं। ठीक है, राहुल वेंट टू ए हिली टूरिस्ट रिसोर्ट। तो राहुल है वो हिली जो टूरिस्ट रिसोर्ट होते हैं वहाँ गया सुबह सुबह। इन द मॉर्निंग ही वॉज एक्साइटेड टू सी ए ब्यूटीफुल सीन, वो बहुत ही एक्साइटेड था, ठीक है, ब्यूटीफुल सीन को देखने के लिए। स्कैटर्ड सन रेज, ताकि किस प्रकार सूर्य की रोशनी फैलेगी, पासिंग थ्रू द कैनोपी, जो कैनोपी है ना उसमें से सूर्य की रोशनी फैलती हुई दिखाई देगी। अपने चैप्टर में भी देखा होगा, सेकंड चैप्टर में है ना। तो द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, जो फॉरेस्ट है उसमें छोटे छोटे पानी के कण होते हैं जो कोलाइड डिस्पर्स का काम करते हैं इन एयर में, एंड क्रिएट टिंडल इफेक्ट, और प्रकाश फैलने लग जाता है, टिंडल इफेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, इट मेक्स द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, जैसे लाइट जो होती है वो फैलती हुई दिखाई देने लग जाती है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है। वी केम अक्रॉस मैनी कोलाइडल सिस्टम इन अवर डेली लाइफ, और ये कह रहा हम बहुत सारे कोलाइडल सिस्टम अपनी लाइफ में देखते रहते हैं, जैसे फोग का बनना, धुंध का बनना, बादलों का बनना, मिल्क का बनना, ठीक है, गेम स्टोन, फेस क्रीम, जैली। तो ये कोलाइडल सोल्यूशन आर हाइड्रोजीनियस, ये कह रहा है कोलाइडल हाइड्रोजीनियस होते हैं नेचर में, ठीक है। और कंसिस्टिंग ऑफ द टू फेसेस कॉल्ड द डिस्पर्स फेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में हर बार आता है और आपके पेपर में भी जरूर आएगा। ये कह रहा है इसमें दो फेस होते हैं, एक डिस्पर्स फेस और एक डिस्पर्सन फेस, डिस्पर्सन मीडियम। आप सेकंड चैप्टर में देखने टेबल बनी होगी, वो सारी रट लेना, सारी कर लेना, सेम आएगा आएगा उसमें से क्वेश्चन। तो ये कह रहा है जो स्मोक बनता है ना, वो उसमें कौन सा डिस्पर्स फेस है और कौन सा जो है डिस्पर्सिंग मीडियम है, ठीक है। तो आपसे एक पूछा गया डिस्पर्स फेस, और दूसरा आपसे पूछा गया है कि डिस्पर्सिंग मीडियम कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है ए, ठीक है। जो स्मोक होता है ना उसमें सॉलिड होता है डिस्पर्सिंग फेस, और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है गैस, ए आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, ये कह रहा है इन चारों में से किस में टिंडल इफेक्ट दिखेगा, तो वो दिखेगा स्टार सॉल्यूशन में, ठीक है। जो टिंडल प्रभाव है ना वो इन चारों में से किस में दिखेगा, बाकी इनमें नहीं दिखेगा, ठीक है। ये होमोजीनियस है, ये सारे के सारे क्या होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है, याद कर लेना, क्योंकि इसमें भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा होमोजीनियस है और बाकी कुछ और दे देगा। ये कह रहे हैं जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर वो क्या हो सकता है, होमोजीनियस, हाइड्रोजीनियस, प्योर सब्सटेंस, या ए और बी दोनों। देखो मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस और दूसरा हाइड्रोजीनियस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी, तो आसान ही था। और ये कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ कोलाइड, जो कोलाइड है ना उसका नेचर कैसा है। देखो जो कोलाइड होते हैं वो दिखने में तो होमोजीनियस होते हैं, लेकिन वो नेचर में हाइड्रोजीनियस होते हैं, इसका ए आंसर है, ठीक है। ठीक है, ऊपर पैसेज में भी हमने पढ़ लिया था। अब दूसरा केस है मैथमेटिक टिश्यू से रिलेटेड, बी डिवाइड फॉर सेक, क्योंकि आपने पढ़ा था ना ऊपर भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ना पहले केस स्टडी करना, क्योंकि कई बार केस स्टडी के क्वेश्चन उसमें आते हैं एमसीक्यू में, तो बेनिफिट मिल जाता है। जब आपको 15 मिनट 20 मिनट मिलेंगे ना एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए पेपर, तो उसमें आप ये कर लेना जरूर, ठीक है। तो ये कह रहा है हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोन फ्रॉम अ सीड टू ए फुल हर्ब, ये कह रहा है कि क्या कभी आपने कोई पौधा देखा है वो किस तरीके से सीड से फुल हर्ब बन जाता है, या श्रब बन जाता है, ट्री बन जाता है। कह रहा है वाई डू प्लांट फर्स्ट जनरली इंक्रीज इन लेंथ देन इन विथ, ये कह रहा है पहले पौधे अपनी लेंथ बनाते हैं फिर उनमें चौड़ापन आता है, हाँ या ना। हाउ डज ऑल दिस हैपन, ये कैसे कैसे घटित होता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ये कह रहा है पौधों के अंदर इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर जो है ना स्पेशलाइज्ड सेल पाई जाती है, दैट आर यंग, जो यंग होती है इमेच्योर होती है, एंड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड करने, और जिसके अंदर एक ताकत होती है अपने को डिवाइड करने की, वो भी लगातार। क्योंकि मैरिस्मेटिक को ना हिंदी में विभिजोतक उत्तक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, विभिजोतक उत्तक कहते हैं, ओके। तो आगे क्या कह रहा है, द मैरिस्मेटिक टिश्यू इज फाउंड इन द स्पेसिफिक रीजन, ये कह रहे हैं एक विशेष रीजन में पाए जाते हैं ये। अच्छा
अच्छा एक बार यहाँ से पढ़ देता हूँ क्योंकि शायद इसमें कुछ ये मैंने नहीं पढ़ा ना। ये कह रहा है कि आपको समझ में आ गया, ये कह रहे यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं एंड हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, अपने को डिवाइड करने की इनके अंदर एबिलिटी पाई जाती है। और सच सेल्स आर कॉल्ड, इस प्रकार की सेल को मैथमेटिक सेल कहते हैं। और जब ये ग्रुप बन जाती हैं पूरी तरह से, ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिक टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज कंपोज ऑफ सच सेल, मतलब ग्रुप बन जाता है ना सेल का, तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। ये कह रहे हैं द सेल ऑफ मैथमेटिक टिश्यू आर अनडिफ्रेंशिएटेड, ये अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब अलग अलग नहीं होती, यंग एंड हैव थिन सेल वॉल, इनकी पतली सेल वॉल होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है, एंड डेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, ये ध्यान रखना, ये थिन सेल वॉल होती है, थिन सेल वॉल होती है, याद रखना। और दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता, द रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ द रीजन वेयर दे अकर इन द प्लांट, और ये वहीं पर ग्रोथ होगी जहाँ पर ये पाए जाते हैं पौधे के अंदर, जिस भाग में पाए जाते हैं। ये कह रहे मैथमेटिक टिश्यूज इज फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ प्लांट, ये किसी खास रीजन में ही पाए जाते हैं। सच रीजन आर कॉल्ड एस मेरिस्टेम, ऐसे रीजन को मेरिस्टेम कहा जाता है, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, और लोकेशन के बेस पर दे कैन बी कैटेगराइज एस, ये कह रहे हैं इसकी लोकेशन के बेस पर इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं मैथमेटिक को, मतलब जो विभिन्न होता है कुत्ता कुत्ते से तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पिक्चर भी देखना बनी होगी चैप्टर नंबर 6 में। एक है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, और चौथा है लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। ये कह रहे एपिकल मेरिस्टेम इज फाउंड इन द एपिक्स ऑफ द रूट, ये रूट के एपिक्स में पाए जाते हैं और शूट में पाए जाते हैं, रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ रूट, और ताकि रूट की लेंथ बढ़े और शूट जो शूट है वो बढ़े। और जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ना, ये देखो बनी भी है पिक्चर इसकी, जो लेटरल मेरिस्टेम है ना इज फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स, ये लेटरल साइड्स में होते हैं एंड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द गर्थ, जो गर्थ है ना उसकी उसे बढ़ाने में मदद करते हैं स्टेम की, ठीक है, इन डाइकोट्स प्लांट। और ये पूरा का पूरा पैरा अच्छे से एक एक बात कर लेना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, ये बुक में आप देखेंगे आपको चैप्टर 6 में मिल जाएगा, ठीक है। किसी का एनसीईआरटी नहीं है ना तो वो गूगल से डाउनलोड भी कर सकता है, उस चैप्टर को मिल जाता है पीडीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ नोड्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं, नोड्स के बेस पर पाए जाते हैं, रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द नोड, और ये लेंथ ऑफ नोड को बढ़ाते हैं। अब आप देख लीजिए एपिकल कहाँ पर है, इंटरकैलरी कहाँ पर है और लेटरल कहाँ पर है। ये कह रहे हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना विच लोसेस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड फॉर्म, और अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी कैपेसिटी खो देता है डिवाइड करने की, तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, जैसे पैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्कैलेनकाइमा, ठीक है। ये सारे के सारे जो है अपनी डिवाइड करने की क्षमता खो चुके हैं, इसलिए परमानेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर आपको आंसर देने हैं कि गिवन बिलो आर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको बताना है कि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की करैक्टरिस्टिक्स दे रखी है, तो इनमें से कौन सी सही होगी। दे आर मेड ऑफ सेल विद थिक सेल, देखो लिखा है ना थिक सेल वॉल, ये तो था इन ऊपर पड़ा था थिन था, थिन है ना, तो इसे छोड़ दो। दे आर डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं टू हैव दैट हैव द एबिलिटी टू ग्रो, जिनके अंदर एबिलिटी होती है ग्रो होने की, ठीक है। और अगर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये पौधे के अंदर जो वृद्धि करने का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कारण है। दे आर थिन, और ये थिन होते सेल वॉल एंड डेंस एंडोप्लाज्म, ये तो बिल्कुल ठीक है, फोर्थ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमसे यहाँ पर बोला गया है कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, पर रिस्पॉन्सिबल तो है इनके से पौधों में ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ। ये कह रहे हैं दे आर डिफरेंशिएटेड टिश्यूज दैट हैव द एबिलिटी टू ग्रो, ये कह रहे हैं डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है तो ग्रो होने की। ये तो हम इस टिश्यू की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम तो मैथमेटिक की बात कर रहे हैं ना, जो अगर जिसकी एबिलिटी खो जाएगी वो बनेंगे परमानेंट टिश्यू, तो ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, ठीक है, डी। और बाकी आप एक बार फिर भी यहाँ पर देख लीजिए, ये लिखा है ना, देखिए द सेल्स ऑफ द मैथमेटिक टिश्यू आर अनडिफरेंशिएटेड लिखा है ना, तो ये तो बहुत आसान है, पैसेज में से आप आराम से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया डी। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू है डेड सेल्स, अगर कौन सी इनमें से होती है जो डेड सेल होती है, पैलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा या एपिथेलियल टिश्यू, आपको बताना है कि डेड सेल कौन सी होती है, ठीक है। और जो बच्चे हैं मुझे कोलेनकाइमा के बारे में एग्जांपल भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है,
कि इसके कोई दो एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, और बाकी जो डैड है ना वो कौन से स्कैलेनकाइमा होते हैं, इसके भी आप एग्जाम्पल लिख के दिखाना मेरे को, ठीक है? तो इसका आंसर क्या है? बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहे हैं जो गर्थ ऑफ द स्टेम इंक्रीज, जो 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 गर्थ होती है स्टेम की वो बढ़ती है, वो किसी वजह से बढ़ती है? तो ऊपर आप ऑप्शन में आराम से देख सकते हैं, ऊपर लिखा भी था, तो वो बढ़ती है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए लिखा है ना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। उसके बाद अब हमारा है 56, ये कह रहा है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस, इन चारों में से कौन सी बात जो है वो गलत लिखी हुई है, ठीक है? तो यहाँ लिखा है पैनकामा टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कॉलन काइमेटस जो है टिश्यूज आर इरेगुलर थिकेंड एट कॉर्नर, ये भी बिल्कुल ठीक है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स आर परमानेंट टिश्यू, नहीं, देखिए ये परमानेंट टिश्यू जो है वो नहीं होते। परमानेंट टिश्यू अगर होते, ये तो पार्ट है ना मेरिस्टेम टिश्यू के, परमानेंट टिश्यू तो कॉलन का में, स्कैलन का में, पैलन का में, ठीक है, जो अपनी एबिलिटी खो चुके होते हैं डिवाइड होने की। तो ये तो बहुत ईजी था, सी आंसर आ गया इसका। और इन चीज़ों को भी याद रखना, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है? अब मैंने इसको पैलन का में, स्कॉलन का में जो भी है हिंदी में होते हैं, बाकी थोड़ा बहुत मैंने कहा था कि हिंदी में थोड़ा थोड़ा बता पाऊंगा, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया, चैप्टर 6 में शुरू का पेज खोलेंगे ना तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना इसकी, ठीक है? हिंदी मीडियम वालों थोड़ा कॉपरेट करना। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो यहाँ पर एक केस स्टडी से पढ़ लेते हैं फिर इसके आंसर देखते हैं। ये कह रहा अख्तर किरण और जो यहाँ पर कार्तिक है वो राइडिंग इन अ मोटर कार, ठीक है? वो मोटर कार में राइडिंग कर रहे थे, दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी, और वो हाई वेलोसिटी में मूव कर रही थी गाड़ी, ऑन एन एक्सप्रेस वे पर वो जा रहे थे। वैन एन इंसेक्ट हिट द कार, तभी एक इंसेक्ट हिट हुआ कार से, ठीक है, कार की जो विंडशील्ड होती है ना उससे, एंड गोट स्ट्रक, और एकदम स्ट्रक हो गया वो ऑन द विंड स्क्रीन, और विंड स्क्रीन पे एकदम टकरा गया उससे, ठीक है? फिर अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पोंडरिंग ओवर द सिचुएशन, और वो इस पूरी सिचुएशन को पोंडर कर रहे हैं, अच्छे से नोटिस कर रहे हैं। किरण सजेस्टेड दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज, ये कह रहा है कि जो इंसेक्ट है ना उसको बहुत चोट लगी है, क्योंकि अचानक बहुत बड़ी मात्रा में चेंज आया था मोमेंटम में, एज कम्पेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार, ठीक है? तो जो मोटर कार के मोमेंटम में इतना चेंज नहीं है जितना उसको चेंज सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई। अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वॉज मूविंग विद लार्ज वेलोसिटी, उसने बोला कि जो मोटरसाइकिल है वो बहुत लार्ज वेलोसिटी से जा रही थी, इट एक्सर्टेड ए लार्ज फोर्स, उसने बहुत बड़ी मात्रा में एक ताकत लगा दी उस कीड़े पर, एज रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, और इंसेक्ट मर गया। कार्तिक सैड आई टू एक्सपीरियंस द सेम फोर्स एंड चेंज इन द मोशन एंड स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द गेम ऑफ रिटर्न, तो उन्होंने बोला मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि किस तरीके से जो मोशन का जो चेंज हुआ, और किस प्रकार से जो मोशन और मोशन में चेंज आया था, एंड स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द गेम ऑफ टेनिस, और वो टेनिस के बारे में फिर डिस्कस उसे करने लग गया, एंड रिलेटिंग टू द लॉ ऑफ मोशन, और जो भी उसमें गति का नियम लगा था उसके बारे में डिस्कस कर रहा है लॉ ऑफ मोशन में। अख्तर सैयद अख्तर ने बोला था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट दैट, फर्स्ट लॉ मोशन कहता है कि वैन एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब अनबैलेंस बाह्य बल लगाया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, इट्स वेलोसिटी चेंजेस, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। वैसे मतलब ताकत लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब उसका वेग परिवर्तित हो जाएगा, दैट इज़ द ऑब्जेक्ट गेट्स एक्सेलेटेड, जिससे वो ऑब्जेक्ट एक्सेलेटेड होगा। आपको पता ना कि एक्सेलेशन तभी होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए, ठीक है ना? तो किरण अप्रिशिएटेड हिम, किरण ने उसकी तारीफ करी, हाँ भाई सही बोल रहा है तू। ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेनिस, मतलब टेनिस की गेम के दौरान, इफ द बॉल हिट्स ए प्लेयर, अगर बॉल जो है वो किसी प्लेयर से टकरा जाती है तो इट डज नॉट हर्ट हिम, उसको हर्ट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड इफ ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, अगर एक तेजी से चलती बॉल जो है वो हिट कर जाती है, स्पेक्टर जो बैठा हुआ दर्शक है जिसे वो देख रहा है उसको चोट पहुंचा देती है। तो दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी, उसने बोला ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है बात, ठीक है? दे कनेक्टेड दैट द ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू गिव ए ग्रेटर वेलोसिटी, मतलब अगर ज़्यादा फोर्स लगेगा ज़्यादा वेलोसिटी होगी। देखो अब वो जो मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो ताकत ज़्यादा लगेगी, इसलिए जो बैठा हुआ स्पेक्टेटर है ना
उसको चोट लग जाए, क्योंकि एक तो जो बॉल है उसका वो कितने किलो की है, कितने ग्राम की है वो, और किस स्पीड से आ रही है वो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ जाएगा। और जो व्यक्ति जो भाग रहा है तो वो उसको हार्डनिंग, मतलब जो प्लेयर है उसको भाग रहा है उसको हार्डनिंग करके वो उसकी स्पीड को कम ला के उसकी वेलोसिटी कम कर देता है और उसको नुकसान नहीं पहुँचती है, ठीक है, इस वजह से बढ़ जाता है इफ़ेक्ट, ठीक है। और आगे देखो, अब ये 57 में क्या कह रहा है, ये बोला ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेनिस, जब टेनिस की गेम हो रही होती है, इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर, और बॉल जो हिट करती है प्लेयर को उसको हर्ट नहीं करती, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, बताइए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर, मास और वेलोसिटी दोनों पर, या नन ऑफ दीज पर। देखिए दोनों पर, मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करेगा, ठीक है, उसको हिट करे या ना करे दोनों पर निर्भर करता है, ठीक है, क्योंकि वो इस प्रकार से उसके मास वेलोसिटी को कम कर देता है जिसकी वजह से चोट नहीं लगती टेनिस का जो प्लेयर होता है, ठीक है, जबकि बैठे हुए को लग जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया एक बैट्समैन है हिट से क्रिकेट बॉल, वो क्रिकेट बॉल को हिट करता है, ठीक है, एंड विच देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, और फिर वो रोल करते हुए लेवल ग्राउंड पर चली जाती है आफ्टर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखिए अब ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा सी, सीधा आंसर बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देयर इज ए फोर्स ऑन द बॉल, बॉल पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि बॉल जो है वो जमीन के कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा जो उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी, इसलिए वो रुक जाएगी, ठीक है, इसलिए सी आंसर इसका आ जाएगा। ये कह रहे जो मोमेंटम होता है ना वो कैसे निकाला जाता है, मोमेंटम को हिंदी में संवेग कहा जाता है, और सबका ऐसा ही मात्रक बोलेगा। देखो मैं ना जो पोस्ट होती है उस पर 4-5 पेज लगाऊंगा जिसमें कुछ फॉर्मूले लिखे होंगे, तो जो आप पोस्ट देखेंगे ना वो मत सोचना कि उस पर खाली एक ही पेज है, आप उसको ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको 4-5 पेज मिल जाएंगे, मैं लगा दूंगा थोड़े टाइम बाद, जब आप वीडियो अपलोड होगी ना तो उसके बाद मैं बनाकर उसे 15 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर कह लो मैं लगा दूंगा, ठीक है, तो वो फॉर्मूले कुछ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, ऐसे आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो जो मोमेंटम है ना ऑब्जेक्ट का, वो किसका प्रोडक्ट होता है, मोमेंटम को संवेग बोला जाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है, तो ये एम, ठीक है, इनटू जो है वी, इससे निकाला जाता है। अभी हमने ऊपर भी करा था, तो ये कह रहा है कि मोमेंटम जो है किसका प्रोडक्ट है, मास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए बोथ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए दैट करस्पोंड टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज जो है ना मोमेंटम का करती है, तो किस पर होता है, फोर्स होता है वो, ठीक है, बल, और हिंदी में फोर्स को बल कहा जाता है, मोमेंटम को संवेग। अब देखिए जो हमने ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो जितनी भी सारी पिक्चर्स आई थी क्वेश्चन नंबर 3 में, आपने पिक्चर देखी थी ना, ठीक है, तो जो 3 में जो पिक्चर आई थी, तो अब ये विजुअली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उनके लिए जो है ना ये थ्योरी में लिखे गए हैं क्वेश्चन, सेम वही वाले जो मैंने अभी करवाए थे, ठीक है, तो आप एक बार ये भी देख लो और आंसर के बताने की कोशिश करो, ठीक है, बाकी अगर नहीं देखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ऊपर है, लेकिन एक आधा अगर होगा तो होगा चेंज, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो फटाफट अब मैं इसको ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, सीधा आंसर बताऊंगा कि जो नर्व सेल होती है उसमें इनमें से क्या नहीं पाया जाता, ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना कि नर्व सेल के अंदर 4 में से कौन सी जो चीज़ है वो नहीं होती है, ठीक है, तो एक्सन, नर्व एंडिंग, डेंड्राइट, टेंडन्स, ठीक है, तो इसके अंदर जो है टेंडन नहीं होते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या है, डी आ जाएगा। आपको अच्छे से पता होनी चाहिए एक एक चीज़, ठीक है, आपको मैंने बताया था ना कि जो नर्व सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट होते हैं, सेल बॉडी होती है, एक्सन होता है, नर्व एंडिंग होती है, जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, बस उसमें टेंडन नहीं पाए जाते। उसके लिए कह रहे थे न्यूमेरिकल रेशियो जो होती है ना डिस्प्लेसमेंट की और डिस्टेंस की और मूविंग ऑब्जेक्ट की, वो क्या होगी। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है मतलब विस्थापन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है, कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है, तो 15वें क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 25, तो यहाँ पर जो सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगा ये आप, ठीक है,
ये टाइम पोस्ट वाला जो हमने सेक्शन पढ़ा था ना, वो पिक्चर बना रखी थी, पिक्चर नहीं बना रखी। और यहाँ बोला गया कि कौन सा जो है फंक्शन स्टोमेटा का नहीं है, ठीक है। तो चार ऑप्शन है, आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। 25 है, सेम देखेंगे 25 वाला भी यही था, वहाँ पिक्चर बनी थी या पिक्चर नहीं बनी, ठीक है। तो वही है, यहाँ प्लाज्मोलिसिस जो है वो ये नहीं करता, ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस का काम नहीं करता ये। उसके बाद है 26, 26 में भी हमें पिक्चर बना रखी थी। तो इसने बोला है कि अगर फ्री फॉल हो रहा है वेलोसिटी, पत्थर जो है नीचे गिर रहा है और उसकी जो है ना वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स होता है, धरती अपने नीचे खींचती है ना, गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ये कह रहा है इनमें से कौन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, या कॉन्स्टेंट स्पीड होगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो बी होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक ही रेट से गिरेगा लेकिन बढ़ती जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, ये कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट है ना किसी भी वस्तु का, वो निर्भर है टाइम के स्क्वायर पर, ठीक है, मतलब टाइम का स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो ये कह रहा है देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, तो जो ऑब्जेक्ट है ना वो कैसे मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से। तो इसका आंसर जो है आप गैस कर लेंगे क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर जो है वो होगा बी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ठीक है, क्योंकि वो बढ़ता चला जाएगा ना, ठीक है, और स्क्वायर होता जाएगा, स्क्वायर होता चला जाएगा, इसलिए जो है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। 43 का क्या होगा, बी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पैसिथी अभी मैंने आपको पढ़ा दी थी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि गिवन बिलो द कैटेसिस ऑफ द मैस्मेटिक टिश्यू, तो आपको बताना है कि जो मैस्मेटिक टिश्यू उसकी क्या कैटेसिस है, सेम ही क्वेश्चन है। तो उसका डी आंसर था, हमने पढ़ा था अभी 53 का, ठीक है। 54 में कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू आर हैज डेड सेल, तो कौन सी डेड थी, स्केलेनकाइमा डेड होती है ना। तो मैंने कहा था ना जो एक आधा अलग है ना वो हम अच्छे से इसमें देख लेंगे। उसके बाद 55 है, कह रहे जो गर्थ होता है स्टेम है ना वो इंक्रीज होती है ड्यू टू, किसकी वजह से जो गर्थ होती है उसकी बढ़ती है, तो वो होता है लेटरल मेरिस्टेम, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना था इसमें से कि कौन सा जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर जो है वो है सी, एपिकल इंटरकैलरी मेरिस्टेम और परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो तो परमानेंट टिश्यू नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से पूरा का पूरा हमने पेपर अच्छे से कर लिया। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और काफ़ी एफर्ट लगते हैं मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो होप आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। मैं और जल्दी ही वीडियोस लेकर आऊँगा SST की, हिंदी की वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।